हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं इंदिरा शर्मा रसोई मामी की मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके पास बेल आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोटैटो लॉलीपॉप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसे आप मेयोनीज के साथ भी ले सकते हैं और चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सॉस के साथ भी ले सकते हैं। तो इसे किस तरह से बनाते हैं बता रही हूँ। ये मैंने बॉइल्ड आलू लिए हैं, 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं। इनको ग्रेट कर लिया है, ये थाली में आपको दिख रहे हैं। और ये आधा बॉल प्याज की कटिंग है और 1 बॉल ब्रेड क्रम्स है, और अदरक हरी मिर्च लहसुन का पेस्ट है, और अमचूर पाउडर, नमक, मिर्च और ये गरम मसाला। तो इन सबको मिला के, ये हरा धनिया भी ले लिया मैंने, इन सबको मिला के अभी पोटैटो लॉलीपॉप बनाएंगे। तो मिक्सिंग बॉल लिया है पहले मैंने, और इसके अंदर हम ये ग्रेट करे हुए बॉइल्ड आलू डालेंगे। और अब सब चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। ये ब्रेड क्रम्ब डाल रही हूँ मैं, 1 बॉल के करीब है, और इसी के अंदर मैं 1 चम्मच मैदा डाल रही हूँ बाइंडिंग के लिए। और ये आधा बॉल बहुत बारीक करे हुए हैं प्याज, प्याज की कटिंग बहुत बारीक करेंगे तभी टेस्टी लगेगा बाइट में। और ये प्याज के बाद हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को बहुत बारीक कटिंग करी है मैंने, तीनों का मिक्सचर है। आप लहसुन अवॉइड करना चाहते हैं तो अवॉइड कर लीजिए। और ये नमक डाल रही हूँ, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, मिर्च भी डाल दी। ये गरम मसाला है, घर का पिसा हुआ है, और ये अमचूर पाउडर है। तो इन सबको मिला के, धनिया की कटिंग भी है, ये बारीक कटिंग कर ली है मैंने, इन सबको मिक्स करेंगे। सॉरी, गला खराब हो रहा है। तो सबको मिक्स कर दिया फ्रेंड्स। अब इनको हाथ से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से डो बना लिया और बाउल को मैंने अलग रख लिया। अब ये 2 चम्मच मैदा है, इसका घोल बनाएंगे। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, और ज़्यादा थिन भी नहीं और ज़्यादा थिक भी नहीं, एकदम बीच का। थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ, बीच का पेस्ट जैसा बनाएंगे, एकदम मोटा भी नहीं होना चाहिए, पतला भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैं बता रही हूँ। देखिए इस तरह से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी। तो इस तरह से मैदे का घोल बना लिया, और जो ये मिक्सचर बनाया था हमने आलू का, ये डो जैसा बन गया है। अब हथेली में मैंने तेल लगा लिया है, छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, एकदम छोटे छोटे बॉल्स। ये पहले रफली बना रही हूँ, फिर मैं अभी आपको फाइनल करके बताती हूँ। ये एक ही साइज़ के इस तरह से बॉल्स बना लेंगे। ये बहुत आसान रेसिपी है, और देखिए ये बॉल्स बना लिए मैंने, इस तरह से एक बॉल बना के बताया आपको। ये हथेली चिकनी है तो वो चिपकेंगे नहीं, आलू का मसाला, इस तरह से बॉल्स बन जाते हैं। सारे बॉल बना लिए मैंने, आप देख सकते हैं। और ये प्लेट में ब्रेड क्रम्स रखा है मैंने, और ये मैदे का घोल है, ये दोनों मिला के
बॉल को पहले एक एक बॉल को पहले मैदे के घोल में हम डिप करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, ये एक बॉल उठाया और इसे इस तरह से घोल में डाल दिया और चारों तरफ घोल में लपेट के, और फिर ये ब्रेड क्रम्स में इस तरह से चारों तरफ से हम लपेट देंगे। इसी से क्रिस्पीनेस आएगी इन बॉल्स में। थोड़ा सा प्रेस करेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि वो बॉल्स के चिपक जाए ब्रेड क्रम्स, क्योंकि मैदे के घोल में तो डिप कर ही लिया हमने। इस तरह से हल्का सा ब्रेड क्रम्स को दबा के और उसमें चिपका देंगे। फिर दूसरा बॉल मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे भी ब्रेड क्रम्स से चारों तरफ कोट कर देंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है इनको, हल्का सा दबाना है। और एक एक बॉल इस तरह से रखते जाएंगे प्लेट में। तो देखिए सारे बॉल तैयार कर लिए मैंने और तेल गर्म हो गया है गैस पे, और ये एक एक बॉल हम पहले हाई फ्लेम में डालेंगे और फिर मीडियम फ्लेम करेंगे। पहले हाई गैस कर दी थी, तेल अच्छा सा गर्म कर दिया था, फिर मीडियम कर दिया। लो गैस नहीं करनी है, अगर आप लो करेंगे ना तो सारे बॉल्स फट जाएंगे और ऑयल भी पी लेंगे। तो लो तो बिल्कुल ही नहीं करनी है, मीडियम गैस पे बॉल्स को फ्राई करेंगे। और पहले शुरुआत में इनको हरगिज नहीं हिलाएंगे, थोड़ा सा एक मिनट बाद उनको हिलाएंगे और देख लेंगे नीचे से सिक गए हैं तब हम उनको पलट देंगे। ये मीडियम गैस पे ही पलट रही हूँ बार बार, बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं ये। थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करेंगे तो इसे आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी डाल सकते हैं, कोई गेस्ट आए जब भी बना सकते हैं। और पहले से बॉल्स बना के रख लीजिए, गेस्ट आए जब आप फ्राई कर लीजिए, फ्रिज में रख सकते हैं आप इनको बना के। ये सारे बॉल्स मैं टिश्यू पेपर पे ले लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे बॉल्स बने हैं। इनको इस तरह से, ये कुल्फी की स्टिक है मेरे पास, मैंने वो डाल दी है इसमें। आप टूथपिक भी डाल सकते हैं और इसे हरे धनिया की चटनी, सॉस, मेयोनीज किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास मेयोनीज है, इसमें दही मिक्स करके अच्छा सा डिप बन जाता है। तो आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।